किसान मुद्दा नहीं, ये मध्य प्रदेश किसानों का प्रदेश है। फिर किसान का कर्जा माफ करेंगे, किसान की मोटरों के बिल फ्री करने का काम करेंगे और किसान को राहत देने का काम इस मध्य प्रदेश और किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी, और इस चुनाव में भी सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का। मध्य प्रदेश में सरकार की फाइलों में किसान और गांव के मौसम गुलाबी है, पर ये आंकड़े किताबी है, ये आंकड़े झूठे हैं। रोज झूठी बातें मुख्यमंत्री और यहाँ के मंत्री करने का काम कर रहे हैं। अभी कहा कि 160 करोड़ रुपए हमने किसानों को राहत राशि दी, हजारों करोड़ की प्रीमियम वो बीमा कंपनियों को देते हो, उनकी दलाली करते हो, और किसान को सिर्फ 160 करोड़ देते हो। मैं चुनौती देता हूँ कि जो पहले दिन होली के दिन मैं बैठा था, उन किसान खेतों पे आज तक कोई सर्वे नहीं हुआ, आज तक कोई किसान के खाते में राहत राशि नहीं आई। किसान को डिफाल्टर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सोसाइटियों में गेहूं बेचे हुए, आज तक पैसे नहीं आए, और आज सोसाइटियां भरने की आखिरी तारीख है। तो जब सरकार ने हमारा गेहूं ले लिया, सरकार पैसे नहीं दे रही, फिर किसानों को डिफाल्टर कैसे घोषित करने का काम कर रही है? सरकार एक तरफ कह रही है कि हम प्रीमियम किसानों की भरेंगे, तो क्या फिर किसानों के नाम पे हजारों लाखों करोड़ रुपए बीमा कंपनियों को देने की एक नई साजिश है? सरकार से निवेदन है कि जिस भी व्यक्ति किसान की बात करता है उसके खिलाफ क्यों नफरत करते हो और किसान के नाम पे रोज झूठ बोल रहे हो? किसान मुद्दा नहीं, ये मध्य प्रदेश किसानों का प्रदेश है, उनके हक और अधिकार के लिए कांग्रेस लड़ेगी। पिछली बार भी हमने कर्जा माफ करा था, उस नीति को इन्होंने बंद करा, फिर किसान का कर्जा माफ करेंगे, किसान की मोटरों के बिल फ्री करने का काम करेंगे और किसान को राहत देने का काम इस मध्य प्रदेश के अंदर फिर कांग्रेस आएगी वो करेंगे। ये मुद्दा नहीं, किसान के लिए कांग्रेस के लिए आत्मा है और किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी, और इस चुनाव में भी सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का रहेगा। एक टोल वाला।